समझ ही नहीं आ रहा यार, हम लोग बहुत पीटे हैं। घर में बाप मार रहा है, स्कूल में टीचर मार रहा है, फिर साला पेरेंट टीचर मीटिंग रखा और दोनों मार रहा है कि आइए कोलैब करते हैं, पेड़ पार्टनरशिप करेंगे, अकेले मार के क्या फायदा है। मैं नोएडा गया हुआ था, मेरी दीदी रहती वहां पर, और उनका ना ऐसा 4 साल का बेटा है, 4-5 साल का, वो 3rd में पढ़ता है, क्लास 3 में। वो उस दिन ऑनलाइन स्कूल ज्वाइन कर रहा था सर, आपको पता है आजकल स्कूलिंग सब ऑनलाइन हो गया है, और ऑनलाइन स्कूल ज्वाइन करते करते परेशान है, वहां से मुझे कह रहा है कि आपको पता है आजकल की स्कूलिंग कितनी टफ हो गई है, लैपटॉप ढूंढना पड़ता है, पासवर्ड याद रखने पड़ते हैं, और 8 घंटे यहीं बैठना पड़ता है। देखो साले, हम लोग 8 घंटे चल के जाते थे, तो मुझे लगा कि मेरा स्वैग आएगा, मेरे पीछे मेरा बाप खड़ा कह रहा हम लोग तैरते थे, बीच में 3 नदी आती थी, तो फिर मैं दादाजी के फोटो फ्रेम की तरफ देखा। बताइए आपको भी कोई डायनासोर बताना तो बताइए, यहाँ पता नहीं क्या कंपटीशन चल रहा है यार। है हम लोग, मैं सर, मैं, मेरे को शुरू से ये लग रहा है हम लोग गलत टाइम पे पैदा हो गए दोस्त। मैं तो बहुत गलत टाइम पे, मैं 90s में पैदा हो गया, मुझे आजकल पैदा होना था, आजकल फैसिलिटी बहुत है। इनके टाइम पे भाई आप इनकी बचपन की फोटो देखो, बचपन की फोटो एकदम पोर्ट्रेट मोड में, लैंडस्केप मोड में, फ्रेमिंग करा के रखा हुआ है स्टूडियो सेटअप में। है हमारी बचपन की फोटो नंगी, सबकी सब सारे 90s किड की फोटो नंगी, यहाँ पे काला धागा वाला हम लोग खड़े हैं। ले लो फोटो, लो ले, ये भी लो एक। ये क्या बेइज्जती चला रहा है, ये घर से घर वाले कैसे ऐसे हम लोग को कर रहे हैं यार, हरास हम लोग घर से हरास होके आ रहे हैं, समझ रहे, इतना खराब हम लोग के साथ करता है। तुम लोग का तो फिर भी ठीक था यार, मेरे पापा लोगों को दिखा के प्रूफ करते थे कि भाई साहब ये देखिए लड़का हुआ है, यहाँ देखिए, यहाँ गौर से देखिए, ऐसे लड़का कौन दिखा रहा है, ये क्या तरीका हो गया कि लड़का हुआ है, लड़का हुआ है, अभी इसको बेइज्जत कर दो यहाँ से। इतना मत, मेरा भांजा है मेरे पास, मेरे को आके ना बहुत कंप्लेन कर रहा है मेरे पास, कह रहा है कि आपको पता है मेरी टीचर ने आज मुझे स्कोल्ड कर दिया। स्कोल्ड कर दिया, साले मेरे यहाँ 3 दाग हैं, बर्थमार्क नहीं है, वो मिश्रा सर मारे थे जा ही नहीं रहा है, ये क्या था, स्कोल्ड क्या होता है यार, मेरे को पसंद ये लोग नहीं। सर मेरे को सरकार पे भी बड़ा गुस्सा आता है, जब मैं 12th में था ना सर, जब मेरा 12th पास हो गया, मेरे बोर्ड्स के रिजल्ट आ गए, जब मैं 12th से निकल गया, तो पीछे से सरकार ने अनाउंस किया कि अब आप बच्चों को मार नहीं सकते हैं, अब नहीं मार सकते, अब चूंकि ये निकल गया है तो अब नहीं मारना, क्योंकि जितना मारना था इसको मार लिए, अब थोड़ी मारेंगे, ये कौन सरकार चला रहा है, किसी पता चल रहा है कि ये तो निकल गया, अब नहीं मारेंगे किसी को। होता है यार, ये मेरे साथ इतना खराब हो रहा ना, मैं आपको बताऊं, आप लोगों को याद है हम लोग कितना प्रिपेयर होकर स्कूल आते थे, ये लोग जब भी स्कूल जाता ना सर, इन लोग का एक मकसद होता है कि स्कूल जा रहे हैं वहां पे दोस्त आएंगे, फन होगा, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ जानने को मिलेगा, ये लोग का ये मकसद है स्कूल जाने का। हमारा सिंपल एक मकसद था सर, जिंदा लौटना है। साला मरेंगे नहीं आज, बहुत मारता था सर स्कूल में, बहुत मारता, मैं घर में मम्मी के पैर छू के निकलता था कि जलता हूं मां, मां बोल भी रही कि आ जाइयो। तो बता रहा हूं सर, हम लोग इतना प्रिपेयर होकर जाते थे ना, मैं जब इसका एडमिशन कराने गया था, तो मैंने देखा था कि इसका जो बाप, वो जाके वहां पे टीचर को बोल भी रहा है कि ही इज वेरी सेंसिटिव, इज वेरी इमोशनल, ये मार नहीं खाता है, इसको वैसे मत करे, तो टीचर बोल भी रहा है कि हम लोग बहुत प्रोग्रेसिव है, हम लोग नहीं करते ये सब। तो मुझे अपना एडमिशन याद आ गया, मेरे पापा जाके टीचर को अथॉरिटी दिए थे, इसको अपना बेटा समझ के मारिए। खाल खींच लीजिए इसका, ये बाप है कि जल्लाद है, ये कैसा हम लोग का पढ़ाई लिखाई हुआ है, समझ ही नहीं आ रहा यार। हम लोग बहुत पीटे हैं, घर में बाप मार रहा है, स्कूल में टीचर मार रहा है, फिर साला पेरेंट टीचर मीटिंग रखा और दोनों मार रहा है कि आइए कोलैब करते हैं, पेड़ पार्टनरशिप करेंगे, अकेले मार के क्या फायदा है।
जख्म अभी तक भरी नहीं रहे यार, वो जा ही नहीं रहा दिमाग से दहशत। फिर ये लोग बोलता है कि डू यू ऑल्सो मिस योर स्कूल डे? नहीं, मैं नर्क में नहीं जाऊंगा दोबारा, साले मैं बाइजूस पे नहीं पढ़ा हूं। और मैं केवी जाता था यार, केंद्रीय विद्यालय कौन जाना चाहेगा दोबारा? इतना खराब होता था सर, मैं ना प्रिपरेशन करके जाता था। हम लोग बाकायदा तैयारी करते थे, हम लोग स्कूल के लिए तैयार नहीं होते थे माइंड मेंटली, हम लोग तैयारी करके जाते थे कि आज जितने भी सब्जेक्ट का क्लास है सबकी नोटबुक लेके चलेंगे, सारे का बुक भी रख लेंगे, सबकी नोटबुक पे कवर चढ़ा हुआ है, उस पे स्टिकर लगा हुआ है, मेरे जूते साफ है, नेल्स कटे हुए, बाल भरे हुए, चेहरे पुतनी, कि इसको मौका ही नहीं देना है। साला टीचर सरप्राइज कर देता। आप लोग पहले नहीं देखे, बूझो तो जाने, आज कैसे मारेंगे, पकड़ के दिखा। कितना खराब सर, आप एक क्लास बैठा हुआ है, टीचर अचानक से आया और घुसते ही बोल रहा है कि सारे बच्चे मैथ का होमवर्क कॉपी निकालें। मैं, साले तू फिजिक्स पढ़ाता है, तू अपना सब्जेक्ट का मांगना, ये क्या तरीका कि ऐसे घुमा के मारेंगे, मारना वैसे ही मार ले। फेंटी से क्या मारना है कि किसी तरह तो तोड़ देते इसको। ये सब सर मैं समझ गया, अध्यापक एकदम बहुत इज्जत करना चाहिए, अध्यापक सबसे बड़े होते हैं, गुरु होते हैं, सब ठीक है, लेकिन अगर अध्यापक बीच लेक्चर में लोहे के रोड पे तेल लगाता हुआ पकड़ा जाए तो वो गुरु नहीं है, वो उसको कैसे गुरु माने यार। हम लोग इतना खौफ में रहते थे ना सर, हम लोग इतना प्रिपेयर होकर जाते थे। आपको वो रूलर याद है, रूलर येलो कलर का रूलर, ब्लैक मार्किंग रहता था, याद है वो? हाँ, ये तो रिमेंबर है, इनका मूलर। हाँ भाई, वो रूलर, पहले तो उसको रूलर क्यों बोल रहा है, कभी तो लाइन खींच से देखे नहीं उसने, हमेशा लाइन में खड़ा करके तोड़ा है। तो सर मारने का एक तरीका होता है, आप इंसान को एक तरीके से मारते हैं, स्कूल है वो, आप रूलर ऐसे मारिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद होमवर्क नहीं करूंगा। लेकिन वो वैसे मारता ही नहीं था सर, लाइन में खड़ा किया, मैंने हाथ आगे किया, कह रहा पलट। उसके बाद रूलर को भी ऐसे किया है सर, यहां से उंगलियों पे मार रहे। पहला रूलर पढ़ते ही मेरा आत्मा निकल के इधर खड़ा हो गया, साले मैं इस शरीर में नहीं हूं, ये शरीर तो साला डेली पिट रहा है, इस घटिया शरीर में मैं नहीं रहूंगा भाई। उसको उसी टाइम याद आया कि आत्मा अमर है, उसी टाइम एक रूलर पढ़ते ही, भाई साहब मिश्रा सर तो आदमी नहीं था, वो तांत्रिक था, मारते ही आत्मा अलग, वो भाई था कुछ तो अलग था, वो इतना सर इतना खराब। हम लोग को कहीं तो राहुल बैठा था फर्स्ट बेंच पे, उससे पेंसिल मांगे तो मुझे लगा, लगता है मारना बंद कर दिया, कुछ पढ़ाएंगे, पेंसिल यहां फंसा दिया, उसके बाद दबाए जा रहा है। और यही नहीं, एक्सपेक्टेशन देखिए इसकी, कह रहा है ये सट क्यों नहीं रहा है, मैं तो चूती है, पेंसिल निकाल फिर सटेगा। साइंस को कैसे चैलेंज कर रहे हैं आप? रो दूंगा यार, ये मैं बहुत खराब हुआ है सर। मैं आपको याद, सर आप पीटे स्कूल में? तू स्कूल में पीटा ही नहीं है, कौन सा स्कूल है भाई ये, कैसे पढ़ते हैं इसमें? आप पीटे सर स्कूल में? पीटे आप? तू भी नहीं पीटा? ये मुंबई साइड नहीं मार रहे क्या लोग? मैं बिहार में पैदा होकर गलती कर दिया यार। पीटे सर आप? पीटे आप भी? पीटे सर? लड़के लोग पीटते हैं यार, लड़कियां नहीं पीट रही, इनको मारते हैं। तो ऐसा कांड क्यों कर रहे हैं आप लोग? ये क्या तरीका है कि हमको भी मारो? जनरली नहीं पिट रही, मैं जनरल की बात कर रहा हूं, मैं जनरली लड़कियां नहीं पिटती हैं यार। हर बार ऐसा स्कूल में होता था ना, तो मेरे को नाइन्थ में ही पता चल गया था कि मैं मर्द पैदा होकर गलती कर दी। मैं आज भी प्रे करता हूं, अगले जन्म मुझे पिटिया कीजिए भाई, इस जात में मेरे को पैदा नहीं होना है। ये हर बार कैसे पिट सकता है यार? मेरे घर पे पापा ऐसे करते हैं, मेरी बहन गलती कर रही थी, ये आदमी जाके मेरी बहन को कह रहा है क्यूट। मैं कह रहे पाताल निवासी, यही गलती हम कहते, हमको तो फूट गया, ये क्या भेदभाव है सर? मेरे स्कूल में एक लड़की थी, स्नेहल नाम था उसका, यही बैठती थी फर्स्ट बेंच पे, मेरे को आज तक नहीं पसंद है, इससे दिल से नफरत। क्यों? कारण बता रहा हूं, ये एक दिन कॉपी नहीं लाई सर, इसको टीचर जाके कह रहा है कि स्नेहल डू नॉट डू इट अगेन, सेम कॉपी राहुल नहीं लाया, राहुल हराम खोर, तू कैसे नहीं ला रहा है कॉपी? अरे राहुल पिशाच का बेटा है, कैसे मानेगा इक्वालिटी में? आपको बगल में स्नेहल
भी नहीं, राहुल राहुल खराब माहौल करके रखा सर। इसीलिए सर मैं इसलिए 90s में पैदा होकर मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगा था, बट हम लोग के साथ इतना गलत हो रहा था ना, हम लोग तब भी तमीज में रहते थे, बड़ों की इज्जत करते थे, आराम से बात करते थे। ये लोग नहीं कर रहे, इन लोग से आप बात करिएगा ना, कुछ पूछिएगा, ऐसा जवाब देगा आपका मुंह ही लटक जाएगा कि साला इसे बात ही क्यों की है यार। मेरे मोहल्ले में एक 12-13 साल का जेंजी, पता नहीं ये क्यों बुलाता है अपने आप को, 12-13 साल का लौंडा। सर मैंने उससे पूछा आउट ऑफ कर्टसी कि और छोटू तुम्हारा नाम क्या है, चौड़ में कह रहा प्रमोद कुमार पांडे। साले ये तो मेरे बाप का नाम है। कह रहा तो तुझे क्या लगता है मैं कौन हूं। ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच गाइस, दिस हैज बीन माय टाइम।